अजीज खान साहब के पास वापस जाना चाहूंगी। अजीज खान साहब, जब ईवीएम पर सवाल या निशान लग जाता है तो मतलब कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, जमीन खिसक रही है, लेकिन गलती किसी और की है, खुद की तो गलती कोई बताता नहीं है। तो अजीज खान साहब, आज जो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का हाल हुआ है, क्या समाजवादी पार्टी का मैनपुरी में वही हाल होगा? देखिए नाविका जी, दो तीन बातें बड़ी अहम है जो मैं चर्चा देख रहा हूं और जो एग्जिट पोल देख रहा हूं। अभी हिमाचल और गुजरात पे थोड़ी बात कर लूं, फिर हम मैनपुरी पे जाते हैं। अभी देख रहा हूं कि कह सकते हैं कि ये मैकदा है, जामे जम नहीं, यहां कोई किसी से कम नहीं। अभी जो कमतर आंकने की कोशिश की जा रही, नहीं, जिस आप तरीके से भारतीय पार्टी तमाम को मसले छोड़ दीजिए हैं, ना, उन थोड़ी मसलों बात पे ना मैं सिर्फ इतना कहना मैं किसी चाहूंगा। के लिए और छोड़ गौरव दीजिए। भाटिया जी जिस तरीके से भी एक्सप्लेन कर रहे थे कि साहब हम मैंने ही हम सुना, है, तो मैं एक बात इनको बता दूं कि कभी कभी यूं भी हमने अपने जी को बहलाया है, जिन बातों को खुद नहीं समझे औरों को समझाया है। देखिए आज बीजेपी इस बात को समझ चुकी अच्छा है फिर कि जो मैं इसको गुजरात उत्तर में देना किया चाहूंगा। इससे पहले उसका रिजल्ट आ रहा है। हिमाचल प्रदेश में किस कदर वहां लोगों में नाराजगी रही, वो भी लोगों ने देखा है, और एक बदलाव की लहर है, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। अभी आपने मैनपुरी का जिक्र किया, मैं नाविका जी देखिए, देश के आप बहुत बड़ी पत्रकार हैं और आपकी बात लोग सुनते हैं, अमल करते हैं इस बात पे। मैं एक बात आपको बताऊं, ईवीएम का सवाल नहीं है। देखिए ये तो निश्चित तौर पे ये सबको पता है कि मैनपुरी का जो चुनाव है वो एक तरफा चुनाव है। बीजेपी वहां चुनाव लड़ रही है सिर्फ जमानत बचाने के लिए चुनाव लड़ रही है, वो जीतने के लिए चुनाव नहीं लड़ रही है, ये सबको पता है। लेकिन उसके बावजूद भी हम ये जरूर कहेंगे, अभी ईवीएम का जिस तरीके से आज वहां मसला उठ करके आया, पकड़े गई हैं, देखिए मेरे पास वीडियो है, मेरे पास पिक्चर है, और वो खाली ईवीएम पकड़े गए हैं, वो कहां जा रहे थे, ये कहीं ना कहीं एक जवाब देने का विषय बनता है। और रही बात ईवीएम की, तो ईवीएम पे सवाल रहा है और रहेगा, हम चुनाव हार जाए कहीं पे, चुनाव जीत जाए, या कुछ भी स्थितियां पैदा हो, इसलिए चुनाव पे सवाल करना ये बिल्कुल जायज है, क्योंकि जिस तरीके से ईवीएम की आप स्थिति जी, और सी अजीज खान इलेक्शन साहब कमीशन जी से मुझे ये पूछना है। तो अजीज खान साहब जी, अगर मार्जिन घट जाता है और ये जो ईवीएम का थोड़ा बहुत आपने शुरू कर दिया है हल्ला, क्या इसी बात का डर है आपको? देखिए नाविका जी, मैंने पहले भी स्पष्ट किया था कि मार्जिन और घटने और बढ़ने का सवाल नहीं है वहां। मैनपुरी का चुनाव चूंकि मैंने व्यक्तिगत तौर पे देखा है, मैं गया हूं वहां पे, मैंने देखा है कि वह एक तरफा चुनाव है। जिस तरह आदरणीय डिंपल जी को लोग पसंद कर रहे हैं, क्योंकि लोगों के दिमाग में यह है, क्योंकि नेताजी ने खून पसीने से मैनपुरी को सींचा था। लोग जो तमाम अधूरे काम है मैनपुरी की जनता के लिए, जो नेताजी के दिल और दिमाग में थे, उन लोगों के एहसास रहा कि उनको सिर्फ डिंपल जी